नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 1 अगस्त से आपको बहुत सारे चेंजेस फेस करने पड़ने वाले हैं, क्योंकि 1 अगस्त से देश भर में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब पे पड़ने वाला है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन बदलावों की पहले से ही जानकारी रखें। मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 अगस्त से बैंक से होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। इसके अलावा अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा। हम आपको ऐसे 5 बदलावों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ आपको, जिनका असर आपकी जेब पे पड़ने वाला है। बैंक से होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है, यानी अब आपको अपनी सैलरी या पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। इसके अलावा छुट्टी वाले दिन भी आपके अकाउंट से किस्त कटेगी, यानी 1 अगस्त से सैलरी पेंशन और ईएमआई पेमेंट जैसे जरूरी ट्रांजेक्शन के लिए अब आपको वर्किंग डेज का इंतजार नहीं करना होगा। एक और बात, ICICI बैंक से पैसा निकालने, जमा करने और चेकबुक के चार्ज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। आप बैंक की ब्रांच में चेक से केवल 4 बार ही फ्री नगद लेन देन कर सकेंगे। 4 बार से ज़्यादा जमा कराने या निकालने पर आपके हर बार ₹150 खर्च हो जाएंगे, यानी कि आपको ₹150 का चार्ज देना होगा। ATM के जरिए आप 6 मेट्रो स्टेशन में महीने में 3 बार फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके सिवा दूसरे शहरों में 5 ट्रांजेक्शन फ्री हैं, इसके ऊपर ट्रांजेक्शन करने पर आपको चार्ज देना होगा। चार्ज के रूप में आपको मेट्रो शहरों में ₹20 और दूसरे शहरों में ₹8.5 हर ट्रांजेक्शन पे देने होंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ATM से पैसा निकालना भी अब महंगा होने वाला है। 1 अगस्त से ATM की इंटरचेंज फीस ₹15 से बढ़ा करके ₹17 हो जाएगी, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर भी ₹5 का शुल्क लगने वाला है, ये ₹5 से ₹6 हो जाएगा। बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए जगह जगह ATM लगाते हैं, दूसरे बैंकों के ग्राहक भी इन मशीनों से पैसे निकालते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हर बैंक ने निशुल्क ट्रांजेक्शन की सीमा तय की हुई है। इससे ज़्यादा लेन देन करने पे ग्राहकों से फीस ली जाती है, इसी को इंटरचेंज फीस कहते हैं। और 1 अगस्त से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB की डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए शुल्क देना होगा। IPPB के अनुसार अब हर डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए ₹20 प्लस GST देना होगा। अब तक डोरस्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं था। इसके अलावा किसी ग्राहक को पैसे ट्रांसफर करने और मोबाइल पेमेंट आदि के लिए भी ₹20 प्लस GST देना होगा। IPPB के खाते या किसी और बैंक के ग्राहक के खाते में मनी ट्रांसफर करने के लिए यही चार्ज देना होगा। हर महीने की 1 तारीख को केंद्र सरकार LPG सिलेंडर की नई कीमत घोषित करती है, उसकी घोषणा होती है, और पिछले महीने सरकार ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की थी, और ये हर बार आपको बताया जाएगा। और इस तरीके के काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं आपको याद रखने होंगे, जो आपकी जेब पे बोझ डालने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।